आज हम आ गए नेचर अवन की मेगा फैक्ट्री में, जहाँ की बहुत बल्क क्वांटिटीज में पिज्जा बेसेस तैयार किए जाते हैं। 50 किलो की बोरी कंटेनर में डालेंगे, 25 लीटर पानी पड़ेगा इसमें। 1 लीटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें ऑयल मिलाया गया है, ईस्ट, बेकरी ईस्ट। इससे जैसे मैदा को फुलाते हैं, बिल्कुल पाउडर जैसा होता है ईस्ट, ब्रेड्स और बेकरी प्रोडक्ट्स को वो फुलाता है। चीनी इसमें देखा जाता है गाला कि नहीं गाला है। दो तैयार हो चुका है हमारा, 10 मिनट 4 सेकंड। अब इसको हम निकालने जाएंगे। गोली बन रही है और फिर इसको बनेंगे पिज्जा। हाँ, बेस बनेंगे फिर इसके मशीन में। 50 किलो मैदे बन रहे 300 पैकेट। मैम 1 घंटे में 600 पीस पिज्जा बेल के निकाल देते हैं। अब इसको हम इस पर काटा इसलिए मारते हैं ताकि बेस फूले नहीं। ट्रे में रखा जाता है और अब इन ट्रे को हम रखेंगे अवन में। तो यहाँ पे 2 रॉड लगी हुई है, पानी खोलता है और स्टीम निकलती है। तो ये है पूरा का पूरा स्टीम रूम। तो इसे 8 मिनट के लिए रख दिया है। अपने आप अलार्म दे देगा और हमारे पिज्जा बेस बन के रेडी हो जाएंगे।